नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो कैसे हो दोस्तों? तो सबसे मेन फैक्ट क्या है आज कि कोरोना जो है दोबारा पीक पे पहुंच रहा है। जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तो मैंने कहा चलो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि कोरोना की क्या सिचुएशन है आज उत्तराखंड के अंदर। तो मामले तो उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं। नैनीताल इलाके में 25 लोगों का ग्रुप था, शायद वो आंध्र प्रदेश से आया था, मैंने न्यूज़ पर सुना था ये, और उसमें से 22 लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो उस देखो आप कितना बड़ा वो किस तरीके से कोरोना फैल सकता है, और जहाँ पे अगर फैलता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। जो लोग आना चाह रहे हैं उत्तराखंड में टूरिज्म पर्पज से या बिजनेस पर्पज से या किसी और पर्पज से, चाहे वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, जो भी आदमी उत्तराखंड के बाहर से उत्तराखंड में आना चाहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने गाइडलाइन जारी की हैं। उसके अंतर्गत अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी होगी, और जो रिपोर्ट है ये 72 आवर्स के अंदर वैलिड होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उत्तराखंड में आना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप वो रिपोर्ट नहीं लेके आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है बॉर्डर पे, या इंटरस्टेट दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि जो इलाके हैं बहुत रिमोट इलाके हैं पहाड़ों के, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ स्प्रेड होता है तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है वो सब चीज़ डील करने के लिए, और ICUs और वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो नियरेस्ट हमारे यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी है वो 65 किलोमीटर दूर है हल्द्वानी में, वहाँ पे भी लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं। उसके अलावा ये सोच लो कि बहुत दूर से जैसे अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनके लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे रानीखेत ले लो आप ले लो, तो उनको सबको हल्द्वानी आना पड़ता है, और हल्द्वानी आने के लिए 3-4-5 घंटे की जो ड्राइव इंसान को करनी पड़ती है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड में तो प्लीज़ अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आइए, और यही गाइडलाइंस हैं उत्तराखंड सरकार की। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो फैंस हैं, वो यहाँ पे हमारा जो घर है उत्तराखंड में, यहाँ पे आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में इतनी दूर से कोई आ रहा है, चाहे वो टूरिज्म पर्पज़ से आया हो, चाहे हमसे मिलने आ रहा है कहीं से घूमता हुआ, तो हमें भी अच्छा लगता है। पर देखो दोस्तों, मेरी भी एक फैमिली है, ये कोविड की सिचुएशन भी है, और इस सिचुएशन में आपको नहीं पता कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, और उसकी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग किसी से किस आदमी से कितनी रही है, तो हर एक से पर्सनली मिलना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास कोई भी जरिया नहीं है, और ऐसे में एक और यूट्यूबर हैं, उनके साथ भी अभी ऐसा ही हुआ, और जिसकी वजह से वो ICU में हैं। तो पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मैंडेटरी है, बट देखो मैं पर्सनल लेवल पे बिल्कुल फेस टू फेस, हैंड टू हैंड बात नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि ये जो अब टाइम है कोविड की सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्स्ट है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, और मुझे भी अपनी मतलब पहले मेरे लिए अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं फैमिली के लिए हैं। एक बात और भी नोट करने की, जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस टाइम पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हम देख सकते हैं, पीछे जो पहाड़ है ये बिल्कुल स्मोकी हो रखा है, और जो एयर है वो क्लीन नहीं है। इवन मैं आज रनिंग करने गया, जब रनिंग करके आया तो मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी, काफ़ी दिन बाद भी गया, बट क्योंकि जब रनिंग करते हैं तो आप सांस को ज़्यादा तेज़ी से अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, तो आप देखोगे चारों तरफ अभी स्मोकी रखा है, और जो फायर्स थी उत्तराखंड के अंदर वो थमी नहीं है, अभी भी किसी किसी पहाड़ पर सुबह सुबह फायर लग जाती है फायर, और उसके बाद वो जो सारा एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी घर से बाहर जाने को अवॉइड कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, थोड़ी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम कीजिए, सुबह सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।